ये एक था। और दूसरा आपका जो प्रश्न था बहुत अच्छा था कि जो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये पक्का नरक में जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ब्रह्मवादी भी है, जैसे चतुर कुमार जो थे ब्रह्मवादी थे, फिर श्री सुखदेव गोस्वामी जो थे वो भी ब्रह्मवादी थे। बट ये इम्पर्सनलिस्ट जब कहते हैं तो यहाँ पे क्लियरली तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं या उन श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो भगवान के स्वरूप को मटेरियल या मुंडेन समझते हैं, इट इज फॉर देम। तो इसमें अगर देखें जो ब्रह्मवादी है ये भगवान का स्वरूप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, भगवान के स्वरूप को भी जानते हैं और निराकार स्वरूप को भी जानते हैं, बट दे आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स ये जो इम्पर्सनलिस्ट फीचर है इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो स्वरूप को नहीं जानते हैं, दे अप्रिशिएट बोथ, लेकिन उनका आकर्षण निराकार की तरफ ज्यादा है, इनको कभी ऐसा नहीं है। और इसके लिए हम देखते हैं चतुर कुमार जो थे वो भगवान के भक्त बन गए, एंड नो डाउट जैसे आपने पूछा कि कौन से ऊपर है, तो जो ब्रह्मवादी के बाद में भक्त आता है, और इसके लिए देखते हैं चतुर कुमार जो थे वो कैसे भगवान के भक्त बने, सुखदेव गोस्वामी जी थे जो पहले निराकारवादी थे ब्रह्मवादी थे वो भी कैसे भगवान के भक्त बने। सो भक्त जो है एक स्टिल स्टेप हायर देन ब्रह्मवादी। तो ये उनका जो है उनके बारे में नहीं कहा गया, ये उनके बारे में कहा गया है जो ये सोचते हैं भगवान का स्वरूप मुंडेन है, मटेरियल है। जैसे बहुत सारे जो निराकारवादी सोचते हैं कि भगवान जो है वो निराकार स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वो इस कृष्ण का, राम का, वराह का, मत्स्य का रूप लेते हैं, और ये सोचते हैं कि ये जो है ये पंच धातु से बना है। दैट इज रॉन्ग। ऐसे लोग जो है वो नरक में जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। मतलब यहाँ पे निराकारवादी और ब्रह्मवादी को हम लोग एक समझ सकते हैं ना प्रभु जी? निराकारवादी और ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी वी शुड कीप सेपरेट। निराकारवादी हो सकता है क्योंकि ये जो इम्पर्सनलिस्ट है ये टर्मिनोलॉजी जो है इनके लिए भी यूज होता है, लेकिन बेटर टू कीप सेपरेट ब्रह्मवादी, क्योंकि जब निराकारवादी बोलते हैं तो इसमें ये लोग भी आ जाते हैं जो भगवान के स्वरूप को भौतिक समझते हैं। ओके, हाँ, करेक्ट करेक्ट प्रभु जी। क्योंकि अभी बीच में याद आ गया था कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ये पॉइंट दिया था कि निराकारवादी भी एक्चुअली पापी लोग हैं, क्योंकि वो भी यस बातों को डायरेक्टली मानते नहीं, अपनी मेंटली स्पीकिंग करते हैं। बराबर प्रभु जी, क्योंकि वो भी भगवान का जो भगवद गीता पे भगवान जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो उनको अननेसेसरी वो स्पेक्युलेट करके उनको स्पेकुलेट, उल्टा मानते रहते हैं। मिस करेक्ट प्रभु जी, इंटरप्रेट करते हैं। यस, इंटरप्रेट करते हैं। और मायावादी प्रभु भाष्य सुने ले, हाय सर्वनाश, मतलब चैतन्य महाप्रभु तो इतना दूर रहने के लिए कहते तो सुनोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो यू हैव टू कीप अवे। इसीलिए इट इज बेटर टू कीप ब्रह्मवादी एंड अ डिफरेंट कैटेगरी। अरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो फिर मायावादी ये कौन होते हैं? ये मतलब भगवान पे भरोसा ना करने सेम वाले? सेम सेम यही जो मायावादी है, निराकारवादी है, वी कैन से दे आर इन वन कैटेगरी, जो भगवान के स्वरूप को माया का प्रोडक्ट समझते हैं। ओके, और फिर उसके अलावा जो है वो अभक्त है, राइट? वो अभक्त है जो भगवान को मानते ही नहीं है। हाँ, एक तो नास्तिक हो गया जो अभक्त है, भगवान को मानता ही नहीं है। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग मायावादी और निराकारवादी को एक कैटेगरी में लेके या ब्रह्मवादी को कैटेगरी पे रख। ब्रह्मवादी अबव प्लेटफॉर्म। ओके 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 प्रभु जी, आपका वो एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बोला कि झाकिर नाइक, मतलब पंच पकवान देने के बाद भी अपने को लगता है कि हम लोग मिला, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल। वो आगे चल के मतलब वी कैन यूज, आई थिंक यूज दैट एग्जांपल प्रभु जी, बहुत एग्जांपल था। नहीं, ही इज अ रास्कल प्रभु। वो इतने लोगों को कन्वर्ट किया उसने, वो जितने साल रहा इतना गंदा प्रचार किया है उसने, एंड पीपल दे डोंट नो, अपने शास्त्र पता नहीं है लेकिन दूसरों का सुनने के लिए पहले पहुंच जाते, ऐसे लोग बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए। हम लोग देखें अगर रत्नागिरी जो गांव है, मेजोरिटी दे आर मुस्लिम्स, ऑल कन्वर्टेड, बेसिकली दे आर महाराष्ट्रियंस हिंदू, बट इतने मुस्लिम्स वहाँ पे उसने कन्वर्ट कर दिए उसने, एंड ही इज डूइंग ऑल ओवर इंडिया किया उसने, लेकिन वो जहाँ से है रत्नागिरी से वहाँ पे बहुत इफेक्ट हुआ। सो इट्स कली का प्रभाव भी है, एंड बोलते ना द चीटर वॉन्ट्स, जो चीटेड
जो है चीटर एंड द चीटेड, तो ऐसे लोग चाहते हैं जो मूर्ख बनना चाहते हैं, तो उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो वी के कैन बारे से में, वी आर, सॉरी सर, यस सॉरी सर, सॉरी, नहीं या वी सॉरी कैन से बोलो। दैट वी आर एटलीस्ट नॉट दैट काइंड हु वांटेड टू बी चीटेड, एंड वी वर सिंसियर, इसीलिए हम लोग प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं। तो प्रभु भगवान ने बराबर हम लोग को वहां पे उस डायरेक्शन में लेके आए। कभी इससे ज्यादा ये बोल सकते हैं कि वैष्णव ने हम पे कृपा किया, हम लोग खींच के हम लोग को यहाँ पे लेके डाल दिया प्रभुपाद जी के चरणों में। यहाँ पे रहो तो वहां पे जाओगे तो भटक जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, करेक्ट प्रभु जी, बहुत बहुत सही कहा। एक्चुअली जाकिर नाइक का मतलब, मेरे सुवर प्रभु बता रहे थे कि उसने वो जो पंडित श्री श्री शंकर कुछ है ना, रवि शंकर, वो खुद रवि शंकर करके बुलवाते, उनको भी उन्होंने परास्त बातों में हराया कर था। दियो, उसको शास्त्र जी पता नहीं ना प्रभु। पता नहीं है, वो आर्ट ऑफ लिविंग करके कुछ भी बताते बस और उसके पीछे कोई उनका ये नहीं रहते। सिर्फ उनका ये कि एटलीस्ट उनका एक अच्छा लगता है कि वो नॉनवेज के खिलाफ है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड, कि वो थोड़ा सा समथिंग गुड। तो यहाँ पे प्रभु जी सुमन प्रभु कह रहे थे कि ये जो बंदा है जाकिर नाइक, वो क्या करता है कि मतलब उसने एक एग्जांपल दिया था कि जब भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जब नॉलेज दे रहे थे, तभी उन्होंने वो भीष्म का जो ये है एडवाइस टू युधिष्ठिर, उसमें से उन्होंने एक पेज में से एक पैराग्राफ, दूसरे पेज में से दूसरा पैराग्राफ, फिर बीच में ऐसा छोड़ के तीसरा, ऐसा उसने तीन चार पैराग्राफ को क्लब किया और उसने डायरेक्ट बता दिया। तो उसमें बताते हैं कि भीष्म ने भी युधिष्ठिर को नॉनवेज खाने के लिए बताया गया था। इस टाइप का वो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट किया, और जिन्होंने कभी जी पढ़ा उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उनको। फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि इस टाइप का वो लोगों को भड़काता है, लोग गलत मिसगाइडेड, नहीं गलत दिखाता है, और लोग बिकॉज दे आर कंप्लीटली अनअवेयर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। तो प्रभु जी मेरे को एक थोड़ा सा ये इस झाकिर नाइक के बारे में मेरे को एक मतलब ये आता है कि वो भगवान के सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान है, उसने यस भगवत पढ़ी है, उसने भागवत पढ़ा हुआ इन रहेगा, रॉन्ग महाभारत मैनर, इन रॉन्ग मैनर। के बावजूद वो अभक्त की कैटेगरी में या फिर उस कैटेगरी में कैसे प्रभु जी जा सकते हैं? अभक्त नहीं बोल सकते, फिर वो मायावादी की कैटेगरी में वो कैसे जा सकते हैं नहीं प्रभु जी? अभक्त है प्रभु, ही श्योर अभक्त, क्योंकि सी क्या रावण नहीं जानता था सारे शास्त्र, ही वाज सच ए बिग पंडित, बट ही वाज अगेंस्ट द लॉ। तो वैसे ये है, शास्त्र पता है सब। अभी सी शास्त्र पता होने का उद्देश्य क्या है, वो 15 अध्याय के 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहरणं च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेद पता है, लेकिन वेद का कारण क्या है, वेद बनाने वाला कौन है, वेद से जानना क्या है, यही पता नहीं तो वेद का कोई यूज यूज नहीं है। फिर ही मे बी एक्सपर्ट, वो कोट कर सकता है यहाँ पे ये श्लोक है, यहाँ पे ये श्लोक है, लेकिन भगवान कौन है, तो भगवान कौन है, शायद मेरे ख्याल से हो सकता है ये है, नहीं नहीं है, दो इज यूजलेस, इज अ फुलिश। तो वेद, नोइंग वेद इज नॉट इम्पोर्टेंट, नोइंग द पर्पस ऑफ द वेदास इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे रावण है, ही वाज सच ए बिग पंडित, उसको पूरा ज्ञान था, इतना इतना ज्ञानी था कि जब वो मर गया, मतलब ही वाज अबाउट टू डाई, भगवान रामचंद्र ने बोला उससे टेक नॉलेज फ्रॉम, ही सच ए नॉलेजेबल पर्सन। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना नॉलेज, लेकिन व्हाट वाज द यूज, पूरा मतलब जो था उसका नॉलेज वाज मटेरियल। वो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना सकता था, कैसे रहना है बता सकता था, बट उसने कभी वो जीवन जिया नहीं उसने कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। सो दैट नॉलेज बिकम्स बुकिश, जैसे हम लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम लोग बुकिश नॉलेज में नहीं रहना चाहिए, वी हैव टू अप्लाई इन अवर लाइफ। तो ये एक फर्क होता है कि जो जकीर नाइक में है, ही नोज ऑल द शास्त्र, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरा शास्त्र पढ़ता ही इसीलिए कि मैं कैसे इसको मिस इंटरप्रेट करूं। वो उसका दिमाग इसमें लगाता है कि वो जब श्लोक सुनता है तो देन जब पहली बार उसने सुना होगा तो उसका दिमाग ये चल रहा था, मैं इसको कैसे मिस इंटरप्रेट करूं, एंड ही यूज हिज इंटेलिजेंस, हिज मिसगाइडेड इंटेलिजेंस इन दैट सेंस कि मैं कैसे इसको कन्वर्जन में लगाऊं। तो इन दैट सेंस इफ यू सी, वो भगवान के भक्तों को तोड़ तोड़ के वो अभक्त बना रहा है, तो ही इज ए बिग असुरा, यू कैन नॉट से इज निराकारवादी, क्योंकि निराकारवादी भी एटलीस्ट वो भगवान के निराकार स्वरूप को तो मानता है, वो ये जानता है कि ये भगवान है, बट ही इज टोटली, ही इज अभक्ता, यू कैन से दैट।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु जी आपने पॉइंट बताया कि वो रावण का और झाकिर नाइक का वो एग्जांपल देखे कि मतलब मेरे मन में हर बार आता था कि इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी वो कैसे है, तो आपने वो सही बताया कि मतलब दे हैव जस्ट रेड इट और वो बुक की रखा, दे हैव नॉट अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ दैट शास्त्र कि उसमें से हम लोग को क्या पर्पज नहीं समझ पाए वो, एंड देन वो सिर्फ गलत इंटरप्रिट करने के लिए, क्योंकि ये झाकिर नाइक खुद पहले हिंदू ही था, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन वो शायद मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया और अभी वो सभी को मुस्लिम में लेके आ रहे हैं, मतलब एब्सोल्युटली कितना असुरा है प्रभु जी। करेक्ट प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू। एक चीज उसका ये है कि वो कभी इस्कॉन वाले से बात नहीं करता, उसको पता है वो इस्कॉन वाले का नाम सुना है, नहीं नहीं मेरे को इनसे नहीं बात करना। करेक्ट करेक्ट, ये भी सुना था। यस प्रभु जी, यस। अरे इस्कॉन वाले ने चैलेंज किया था ना प्रभु जी, इस्कॉन वाले ने उनको चैलेंज किया था, वो बोले थे कि आप जितने लोगों को लेके आइए जितने चाहिए को, हमारे से सिर्फ दो लोग आएंगे और वो आपसे भगवत गीता भागवतम या जो भी शास्त्र आपको लगता है उस शास्त्र पे हम लोग डिस्कशन करेंगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये विद इन द हॉल नहीं होगा, ये प्रॉपर एयर होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रॉपर प्रसारण होगा। तो पहले उसने माना था, लेकिन जब उनको ये पता चला कि विद इन द रूम नहीं है, नॉट जस्ट विद इन द रूम, जब पता चला कि वो एयर होगा किसको पकड़ता है जिसको शास्त्र पता नहीं है और उनको ये श्लोक सुना सुना के उनको इम्प्रेस करता है, देखो भगवद गीता में ये लिखा है देखो, एंड ही सो एक्सपर्ट कि वो एक एक शास्त्र कोट कर सकता है, ये उपनिषद में ये लिखा है, ये पुराण में ये लिखा है जो हमने कभी सुना भी नहीं, ऐसे ऐसे वो एक एक ग्रंथ का नाम निकाल के बताता है और बोलता है इसमें ये श्लोक, एंड दैट व्हाट इम्प्रेसेस पीपल। लेकिन उसको जब वो मिसइंटरप्रेट करता है दैट इज अ रॉन्ग थिंग। सो वी नीड टू नो वही पर्पस ऑफ द वेदास और पर्पस ऑफ द नॉलेज इज टू नो अंडरस्टैंड कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो जैसा मुझे याद आता है हमेशा, वो छोटी बच्ची जो सरस्वती नाम की जो छोटी लड़की थी, प्रभुपाद जी ने सबको पूछा कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट, मेरे को बराबर याद नहीं आ रहा है, उनको पूछा सब भक्तों को, तो वो बोलते हैं कि प्रचार कैसे करें या समथिंग, बट वो लोग कोई कुछ कुछ बोल रहा था, तो छोटी 3 साल की लड़की को बुलाया, बोले सिया हु इज कृष्णा, बोला कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, डायलॉग मार के छोटी 3 साल के बच्चे निकल गई, बोले सी she can preach because she knows the purpose, krishna kaun hai, bas itna agar samajh gaye hum log, krishna is supreme person, that is enough for us, bas, and we will never be deviated, aur wo deviation na ho iske liye hum log ko shastra padhte rehna chahiye, bas khali itna nahi ki krishna is supreme personality of god, sabko pata hai krishna bhagwan hai, lekin wo shraddha uske upar kya bolta hai na force usme lane ke liye hum log ko shastra padhna hai acche se। Hare krishna, thank you prabhu, thank you, Hare krishna, thank you very much prabhu ji, Hare Krishna, Hare Krishna।